गाइस, वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर। और मैं हूँ नीमा। आजकल यूट्यूब पे बस एक चीज़ चल रही है, वो है मीसो मीसो मीसो। मतलब हर चैनल पे चल रहे हो तो मीसो हॉल ही देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। और पिछली वीडियो में यार, मतलब बड़े टाइम बाद किसी वीडियो ने 20,000 व्यूज़ क्रॉस करे मतलब इतनी खुशी, खुशी के आंसू नहीं रुक रहे मेरे अभी तक तो मीसो कुर्ती हॉल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आया। इतना पसंद आया कि मैंने अब साड़ी भी मंगवा लिया। देखो आप, प्यारी प्यारी सी, मतलब बहुत ही प्यारी क्वालिटी, इतनी मस्त आई है ना इनकी। देखो अभी तक मैंने वैसे पूरी तरीके से ओपन नहीं करी है ताकि मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग भी कर सकूं। क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो आप इसे देख सकते हो, बहुत ही प्यारी। एक एक स्टोन बहुत ही नीट एंड क्लीन लगा हुआ है। दूसरी साड़ी, क्योंकि मैं राजस्थानी हूँ तो मैंने अपने फंक्शंस वगैरह में पहनने के लिए एक मंगवाई है रेड कलर की, जिसमें गोल्डन कलर का काम हो रखा है। दोनों साड़ी पे मेकअप लुक बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि देखने के बाद ना तभी समझ में आता है कि भाई ले या ना ले। मतलब मैंने लास्ट टाइम जो मीशो हॉल्स शेयर किए थे ना, उसमें चाहे साड़ी की बात हो चाहे ज्वेलरी की बात हो, अब जब मैं उन्हें पहनती हूँ ना, तब आप लोग मुझे कमेंट करते हो ये कहाँ से खरीदा, कब खरीदा, कितने का लिया, ये वो। और जब मैं वीडियो दिखाती हूँ तब आपको पसंद ही नहीं आता ना तो वीडियो देखते हो ना प्रोडक्ट ही देखते हो। तो मैं अब हर चीज़ को ट्राई करके दिखाती हूँ, पहन के दिखाती हूँ। जैसे कि आप ये वाला भी देख सकते हो इयररिंग, ये भी मीशो से ही मैंने मंगवाया है। अब जब ज्वेलरी हॉल करूँगी ना तब किसी को नहीं समझ में आएगा, बट जब किसी मेकअप लुक में पहनूंगी तब सब लोग कमेंट करके पूछोगे ये इयररिंग कहाँ से लिया, कितने का लिया, कब लिया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो। तब मुझे लगता है यार, मतलब ये ऑडियंस ना देखती नहीं है वीडियो तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। मैंने बेसिकली मंगवाई है दो साड़ीज, एक मैंने मंगवाई है ग्रे कलर की, नेट की साड़ी है ये, दूसरी मैंने मंगवाई है रेड कलर की। अब ये धीरे धीरे खुलना शुरू हो गई है तो चलो इसे खोल ही देती हूँ। इसमें ना धागा बंधा हुआ है बेसिकली, ये आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा कलर है इसका, बहुत प्यारा कलर है। और क्योंकि कौन जाएगा टेलर के पास, 15 दिन तक टेलर के पास छोड़ कर आओ, फिर लाओ, चेक करो, फिर वापस दे कर आओ, क्योंकि एक बारी में कोई टेलर सही नहीं करता। मैंने आज तक जितने टेलर ट्राई किए ना, किसी ने भी एक बारी में काम सही करके नहीं दिया, इतने दिमाग ख़राब कर देते हैं। तो मैंने अब से ट्राई करना शुरू कर दिया है रेडीमेड ब्लाउजेस। तो मैंने दो ब्लाउजेस भी मंगवा लिए, जैसे रेड वाली साड़ी के साथ ये वाला ब्लाउज मैं पहनूंगी। रेडीमेड ब्लाउजेस काफ़ी सस्ते हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है। जिनको लगता है साइज़ छोटा हो जाएगा, तो अभी आप वीडियो में आगे देखना, मैं आपको पूरा साइज़ वगैरह सब चेक करवाऊँगी। ग्रे साड़ी के लिए मैंने एक ब्लाउज़ मंगवाया है, आप देख के बोलोगे इतना छोटा, तो भैया ये छोटा नहीं है, ये इतना स्ट्रेच हो जाता है। मतलब देखने में छोटा पर जब स्ट्रेच करते हैं ना तो इतना बड़ा हो जा रहा है कि आपको फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो चलो फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। अगर आपने अभी तक मीशो को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है लिंक, उस लिंक के थ्रू अगर आप डाउनलोड करते हो तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पर 20% का ऑफ मिलता है या फिर 100 रुपीज़ का ऑफ मिल सकता है। तो ट्राई ज़रूर करना मीशो को, एक बारी ट्राई तो ज़रूर करना। अभी मैंने कुछ दिन पहले कुर्ती हॉल शेयर किया था, उसमें से जो कुर्तियाँ हैं ना बहुत मस्त मस्त हैं, तो उन्हें आप ट्राई कर सकते हो। अगर साड़ी पहनते हो तो इन्हें ट्राई कर सकते हो। तो चलो फिर सबसे पहले बात करती हूँ इस वाली साड़ी की, क्योंकि इसे ओपन करने का मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। मतलब देखने में ना मस्त वाली फीलिंग आ रही है इसे, तो चलो फिर देखते हैं इसको। ओ वाह, इसके साथ आपको इनर भी मिलता है और ब्लाउज पीस भी मिलता है। साड़ी की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो इसमें ये इसका पल्ला है बेसिकली, ये आप देखो वर्क, मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, ये आप देखो, वाह बहुत ही प्यारा। चाहे इसका ये कट हो साइड का, या इसके मोती हो, स्टोन हो, या फिर हो एम्ब्रॉयडरी, बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रही है, बहुत ही नीट एंड क्लीन लग रही है। ये आप देखो, बहुत ही प्यारा वर्क लग रहा है मुझे ये। पहन के भी मैं आपको दिखाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल आइडिया लग जाए कि ये पहनने के बाद कितनी मस्त लगने वाली है। तो इसे मैं अभी ओपन करती हूँ। बेसिकली इसमें क्या है मैं आपको बता देती हूँ, अंदर की तरफ आपको प्लेन मिलता है, प्लीट्स एरिया में आपको हाफ एम्ब्रॉयडरी मिलती है नीज तक के लिए, और पल्ले का जो पोर्शन होता है ना, जो यहाँ से लेके पूरा पल्ला आता है, उसमें आपको पूरे में वर्क मिलता है, बहुत ही प्यारा। मतलब मज़ेदार लग रही है साड़ी तो मुझे ये, ये आप देख सकते हो, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ एक मिनट, ये देखो आप, बहुत ही प्यारा कलर लगने वाला है। और वर्क मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा वर्क है। और क्योंकि मैंने इसका रेडीमेड ब्लाउज़ मंगवा लिया है तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। वैसे इस पे ये गोल्डन वाला ब्लाउज़ भी बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि बॉर्डर है गोल्डन कलर का। सबके प्राइस, सबके मीशो के प्रोडक्ट कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, जो भी आप चेकआउट करना चाहते हो चेकआउट कर लेना। मीशो पर जो लास्ट टाइम मैंने प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, कई लोग मुझसे अब पूछ रहे हैं कि अच्छा ये कितने का लिया, ये इसका प्रोडक्ट कोड बता दो। तो मैंने चेक किया तो वो चीज़ें बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाती हैं, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह बन जाती हैं ना उनके ऊपर, तो वो बहुत जल्दी निकल
निकल जाती है, रीस्टॉक नहीं होती, कई रीजंस हो सकते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो फटाफट से ले लिया करो, क्योंकि फिर ना निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, फिर सोचते रहेंगे तो फ़ायदा क्या हुआ, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत वो वाला सीन हो जाता है। तो चलो अब अगली साड़ी ब्लाउज़ वगैरह डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि मीशो से आप शॉपिंग कैसे कर सकते हो ताकि फटाफट से ये ख़त्म होने से पहले मंगवा लो आप। तो चलो फिर देखते हैं। है इंडिया की नंबर वन रीसेलिंग ऐप। जैसे ही आप एप्लीकेशन खोलते हो आपको होम पेज पे बहुत कुछ दिख जाएगा, पर आप कैटेगरीज में जाके स्पेशल प्रोडक्ट देख सकते हो। जैसे मैं कैटेगरीज में गई, मुझे कोई कुर्ती पसंद आई है तो मैं उस कुर्ती को सेलेक्ट कर लूँगी। आप चाहें तो नीचे ये जो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से शेयर भी कर सकते हो, या फिर आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो अपने लिए या किसी और के लिए। कैश ऑन डिलीवरी पे ऑप्शन पे टिक कीजिए, नीचे प्रोसेस पे जाइए। अगर आप अपने लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो ज़ीरो मार्जिन ऐड कीजिएगा, बट अगर आप सेल कर रहे हो तो इसमें अपना मार्जिन ऐड कर लीजिए और प्रोसीड कर दीजिए। बहुत आसान तरीका है पैसे कमाने का। कोरोना के टाइम पे सबको बहुत टेंशन है कि कोई कोरियर ले या ना ले, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मीशो कितना सेफ है। जब मैंने ये देखा ना तो मुझे भी थोड़ा सा आराम हुआ। देखो इसमें है नो कॉन्टैक्ट डिलीवरी, मेरे जितने भी मीशो से कोरियर आए हैं कोई भी मेरे हाथ पे नहीं दिए गए, सब घर के बाहर रख दिए जाते हैं। मैं उन्हें अच्छे से सैनिटाइज करती हूँ और फिर अपने साथ खुद ले आती हूँ। मेरे फ़ोन पे आता है एक OTP जो मैं बताती हूँ, मुझे कोई पेपर पे साइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मतलब काफ़ी डिस्टेंस हम लोग मेंटेन रख सकते हैं। आप डिस्टेंस तो रखेंगे ही डिलीवरी बॉय से, आप देख सकते हैं मीशो के एम्प्लॉयज़ भी कितना अच्छे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। एक ब्लाउज पीस देखती हूँ, सिंपल सा ब्लाउज पीस है। लास्ट जो मीशो हॉल मैंने किया था उसमें दो बड़े डिजाइनर वाले मंगवाए थे, बट इस बारी मैंने एक सिंपल सा ब्लाउज पीस मंगवाया है। आप देख सकते हो इसमें मिरर वर्क हो रखा है, आगे से ये पैडेड है। बैक साइड में आपको दिखाती हूँ, इसमें एक सिंपल सा बो बना हुआ है जिसके अंदर से आप बटन लगा हुआ है इसमें, तो आप इसे पूरी तरीके से ओपन कर सकते हो। बटन है और नीचे की तरफ आपको हुक लगे हुए मिलते हैं। कुछ लोग जो बोलेंगे भैया इसका साइज छोटा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसका मार्जिन दिखाती हूँ, दोनों तरफ से आपको इतना इतना मार्जिन मिलता है, मतलब ये 4 इंच 5 इंच आराम से अभी खुल सकता है। और इसमें अगर आपको है स्लीव्स की प्रॉब्लम तो इसमें स्लीव्स भी मिलती हैं लगी हुई, जिसे आप लगवा सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि मेरे को इसमें कोई फिटिंग करवाने की जरूरत है, बिल्कुल परफेक्ट मुझे ये लग रहा है। साइजेस वैसे अवेलेबल होते हैं तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा इसको, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरे ब्लाउज पीस की अगर मैं बात करूं तो वो है ये बहुत ही सिंपल सा ब्लाउज है। अगर आप रेगुलर साड़ी पहनते हो, हर साड़ी के लिए ब्लाउज नहीं सिलवाना चाहते हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि साड़ी होती है 700-800 रुपए की और उसका ब्लाउज की स्टिचिंग हम 400-500 रुपए देना नहीं चाहते हैं, तो आप सस्ते सुंदर टिकाऊ रेडीमेड ये ब्लाउजेस मंगवा सकते हो। बहुत ही प्यारी क्वालिटी है इसकी, देखो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। अगर ग्रे साड़ी की बात कर रही हूं मैं तो उसके साथ आपको मिलते हैं दो फैब्रिक अलग से। ये है ब्लाउज पीस, क्योंकि साड़ी में बहुत ज्यादा वर्क है तो आपको ब्लाउज पीस जो मिलता है ये है ब्लाउज का इनर ब्लाउज पीस, उसमें पहले से ही लगा हुआ है साड़ी के साथ। और ये है पेटीकोट के लिए फैब्रिक, ये आप देख सकते हो, ये अप्रॉक्स आपको 2 मीटर के अप्रॉक्स मिलता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करती हूँ मेरी बहुत ही प्यारी सी ये रेड कलर की साड़ी, इसे तो आप किसी भी फंक्शन पहन लो। रुको पहले इसे साइड करती हूँ, पीछे से अच्छा नहीं लग रहा इसे तो आप जैसे घर में कोई पूजा पाठ है उसमें पहन लो, या फिर जैसे हम लोग राजस्थानी, हमारे तो हर फंक्शन में हम लोग इसी तरीके की जयपुरी साड़ी पहनते हैं, उसमें आप पहन सकते हो। बहुत ही प्यारा कलर है इसका, कलर भी बहुत प्यारा, वर्क तो उससे भी ज्यादा प्यारा। आप देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हो आप कितना नीट एंड क्लीन वर्क हो रहा है इसका। बहुत ही प्यारी सी मुझे ये साड़ी लगी, जयपुरी साड़ी मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। देखो बहुत ही प्यारी सी साड़ी है ये, और इसमें ये गोल्डन कलर का ये अलग से नहीं लगा हुआ है, ये साड़ी में ही इस तरीके से है, ये आप देख सकते हो। और पूरी ओवरऑल साड़ी इसी तरीके की है, इसमें कोई अलग से कुछ नहीं है। ब्लाउज पीस इसमें अटैच करके दिया गया है, ये आप देख सकते हो, प्लेन रेड कलर का डबल है ये फैब्रिक, और उसमें दिया गया है इस तरीके का बॉर्डर, मतलब ब्लाउज जो ब्लाउज है, ब्लाउज नहीं ब्लाउज जो ब्लाउज है ये प्लेन होने वाला है, और साड़ी जो है ये इस तरीके के वर्क वाली होने वाली है। बहुत ही प्यारी साड़ी मुझे लगी, हल्की फुल्की और बहुत प्यारी। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो चेकआउट कर सकते हो। इनके प्रोडक्ट कोड और इनकी एक्चुअल फोटो मैंने साइड में लगा दी है, और साइड में अपनी भी फोटो लगा दी, क्योंकि जब तक मैं पहन के नहीं दिखाऊंगी तब तक आपको लगेगा पता नहीं अच्छी होगी या नहीं होगी, तो मैंने अपनी फोटो भी साइड में लगा दी है। दोनों में से कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया है, थोड़ा सा भी इत्तु सा, तो आप इस
वीडियो को लाइक जरूर करोगे, शेयर जरूर करोगे और मीशो के बहुत सारे हॉल आने वाले हैं, जैसे कि एक ये बहुत प्यारा सा ज्वेलरी हॉल भी मैं लाने वाली हूँ, तो वीडियोस को जरूर देखा कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।